कोई पास न रहने पर भी नरमन मौन नहीं रहता, आप आपकी कहता है वह, आप आपकी सुनता है। आज मैं यहाँ नदी किनारे बैठे काफी देर से अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि दुनिया इतनी तनाव में क्यों है, इतना उहापोह क्यों है, इतनी भाग दौड़ क्यों है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं अपने आप से ही तुलना की जाए। जीवन में कभी कभी मेरे भी तनाव आया है, कब आया है, क्यों आया है। तो मुझे लगता है कि जब भी जीवन में अपेक्षाएं किसी से बहुत ज़्यादा होती हैं, वो तनाव का कारण होती है, चाहे वो अपेक्षा अपने ही आप से क्यों ना हो। और मकान, अगर इसके लिए कोई तनाव हो तो बात फिर भी समझ में आती है। लेकिन मैंने तो अधिकतर उन लोगों को ज़्यादा तनाव में देखा है जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान से ज़्यादा कुछ है। फिर तनाव का मूल कारण और क्या है? आज के जीवन में, क्योंकि मैं छात्रों के साथ अधिकतर रहता हूँ, उनके जीवन में तनाव का दो मुख्य कारण है। एक, उनके अभिभावक की उनके ऊपर डाली हुई अपेक्षाएं, और दूसरा उनका खुद का दूसरों के जैसा बन जाने की इच्छा। वही मैं प्रकृति को देख रहा था, कभी ये घास, ये शायद ही कभी सोचता होगा, शायद अच्छा है कि इसके पास सोचने की क्षमता नहीं तो ये भी सोचता काश मैं गुलाब हो जाता, गुलाब सोचता है काश मैं कमल हो जाता। एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी कि नो वन इज इन्फीरियर, नो वन इज सुपीरियर, नो वन इज इक्वल आइदर, एवरी वन इज यूनिक। एक हर एक पत्थर, एक छोटा ईटा जो भी मैं उठा रहा हूँ, ये अपने आप में यूनिक है। और प्रकृति का ऐसा आश्चर्य है कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं, और लोग ये नहीं समझ पाते कि गुड, बेटर, बेस्ट तो होता है, यूनिक और यूनिकर, यूनिकेस्ट ऐसा नहीं होता, यूनिक अपने आप में यूनिक होता है। तो जब हम सब यूनिक हैं तो एक चीज़ कमी है कि हम सब अपने उस यूनिकनेस को पहचान नहीं पाते। और जीवन में कठिनाइयाँ, मुसीबतें, ये तो उसी तरह है जैसे कोई मैच खेल रहा और बोले कि सारा कुछ मेरे अनुसार हो, बॉल इजी आए, मेरे बैट पर आए, मैं बैट चलाऊं तो उसमें लग भी जाए, कोई फील्डर ना रोके और वो चौका चला जाए या छक्का चला जाए। तो इस मैच का कोई मजा नहीं। मैच का मजा तभी है जब अनपेक्षित रूप से घटनाएं घट रही हों और आप उसके अनुसार निर्णय लें। जीवन में भी अनपेक्षित घटनाएं घटती रहती हैं और वही तो उसका मजा है, वही उसका सौंदर्य है। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ अगले पल क्या होगा, बस यही और इसी क्षण। अगर जीवन है तो बस अभी और इसी क्षण। तो जो इस कला को जान जाते हैं कि नाव और निर्भर, उनके लिए मुश्किलें भी एक अवसर होती है। किसी ने कहा है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला रख ऐ मंजिल के मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। निता फाजनी जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। जीवन के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, जीवन क्या है? चलता फिरता एक खिलौना है, दो आंखों में एक से हंसना एक से रोना है, रात अंधेरी भोर सुनहरी यही जमाना है, हर चादर में सुख का ताना दुख का बाना है, आती सांस को पाना जाती सांस को खोना है, जीवन क्या है? चलता फिरता एक खिलौना है, रात अंधेरी भोर सुनहरी यही जमाना है, रात अंधेरी भोर सुनहरी यही जमाना है, हर चादर में दुख का ताना सुख का बाना है, आती सांस को पाना जाती सांस को खोना है, जीवन क्या है? चलता फिरता है। ये हर एक सांस ये जीवन का सिद्धांत बता रही है कि हम सिर्फ सांस ले लेके नहीं जी सकते, हमें छोड़ना ही पड़ेगा, और जब छोड़ेंगे तभी नया ले पाएंगे। जीवन में जो बीत गया उसे उसी तरह छोड़ देना है, नया लेना है,
प्रतिपल नया जीना है, प्रतिपल उत्साह से ऊर्जा से भर के जीना है। अगर जीवन में मुसीबतें का शारीरिक पीड़ा भी आती है उसको भी सम्यक भाव से आराम से झेल लेना है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक हर एक क्षण हर एक पल हर एक सांस में उस जीवन का आनंद लेने का प्रयास ही असली जीवन का मर्म है, असली जीवन है।